आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो कम्युनिकेशन होती है दैट यूजेस द लाइन ऑफ साइट मोड, वो 40 मेगाहर्ट्ज़ तक ही क्यों लिमिटेड होती है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी फ्रिक्वेंसी जो है वो 40 मेगाहर्ट्ज़ से बढ़ जाए, तो इफ फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर देन द 40 मेगाहर्ट्ज़, तो क्या होगा। तो जो हमारी रेंज होगी, इट कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड बाय द जो EM वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द आइनोस्फेयर। और अगर ये आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगी तो प्रोपोगेशन भी पॉसिबल नहीं होगी। देयरफॉर प्रोपोगेशन थ्रू द स्काई वेव इज नॉट पॉसिबल। स्काई वेव इज नॉट पॉसिबल। तो इसी वजह से जो हमारी लाइन ऑफ साइट मोड की कम्युनिकेशन है वो लिमिटेड है 40 मेगाहर्ट्ज़ तक, क्योंकि अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी तो जो EM वेव्स हैं दैट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द आइनोस्फेयर। और अगर वो आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगी तो प्रोपोगेशन पॉसिबल नहीं होगी। देयरफॉर ओनली वे टू ट्रांसमिट सच वेव्स, वे टू प्रोपोगेट सच वेव्स is line of sight mode, which waves is line of sight mode, जिसको हम LOS लिखते हैं। तो LO line of sight is also known as LOS. Class 6 to 12 से लेके NEET, IIT, JEE, mains और advanced के level तक 10 million से ज़्यादा students का भरोसा। आज ही download करें Doubtnet app या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8400400400 पर।